आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। क्या दुनिया में कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी? क्या कोरोना के तरह ही मंकी पॉक्स भी खतरनाक है? क्या इसकी कोई वैक्सीन है? और सवाल ये भी है कि ये फैलता कैसे है? जी हाँ, जिसने भी मंकी पॉक्स का नाम सुना उसके जहन में ये तमाम सवाल गूंजने लगे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे आखिरकार इस बीमारी की पूरी ABCD और देंगे आपके हर सवाल का जवाब भी। वैसे तो कोरोना वायरस के कहर से अभी देश उबर भी नहीं पाया था कि इसी बीच मंकी पॉक्स ने दस्तक देकर सबकी बेचैनी को बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में खड़े हो रहे संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है और वह ये है कि भारत ने इस वायरस के स्ट्रेन को आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने मंकी पॉक्स वायरस के स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया है। वैक्सीन और डायग्नोस्टिक किट बनाने के लिए अब इस वायरस का इस्तेमाल किया जाएगा। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे के बीच इसकी वैक्सीन को लेकर तैयारी और तेज हो गई है। सरकार इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या यूं कहें कि टेंडर लेकर आई है, जिसके तहत वैक्सीन और इसके जांच किट बनाए जाएंगे। अब तक यह वायरस 78 देशों में 18,000 लोगों के बीच फैल चुका है और 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स संक्रमित जानवरों जैसे कि बंदर, चूहे या गिलहरियों से इंसानों में फैला है। इससे संक्रमित होने पर व्यक्ति के शरीर में चकते, सिरदर्द, थकावट, बुखार और चेचक जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। देखिए, उसके हाथ में ब्लिस्टर टाइप के थे, पैचेस पड़े हुए थे जो, और कई दिनों से उसको फीवर आ रहा था, जिसके आधार पर हम लोगों ने उसको सस्पेक्ट किया कि मंकी पॉक्स का केस है। जब चेक किया गया, किस पोजीशन में चेक किया गया? नहीं, उसके लिए जो है हम लोगों ने, जैसे कोविड का जो हम लोग सैंपलिंग लेते हैं, उसी आधार पर जो है हम लोगों ने उसको ब्लिस्टर का जो है उसका जो पस निकाल कर और हम लोगों ने जाँच के लिए लैब पर भेजा उसको। डॉक्टर साहब, किस तरीके से एहतियात बरता गया था? हमारे टीम के द्वारा जो है पीपी किट का इस्तेमाल किया गया है और साइन सिम्टम को देखते हुए जो है महिला को जो है जो इसमें दवा जो है संबंधित जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर जो दवा चलती है वो उसको दवा भी दी गई है। कितनी एज होगी महिला की? महिला की एज लगभग जो है 35 साल बताई जा रही है। हालांकि मंकी पॉक्स कम मामलों में ही घातक साबित होता है, लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई तो यह जानलेवा भी हो सकता है। जिनको इससे ज्यादा खतरे के चांस है उन्हें टीका जरूर लगवाना चाहिए। तो ऐसे में सवाल आपके मन में भी होगा कि कोरोना के वैक्सीन की तरह क्या इसकी जरूरत सभी को होगी? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं, इसकी जरूरत सबको नहीं होगी। वैसे तो इसे लेकर कई तरह की अफवाहें भी सामने आ रही हैं, जैसे कि इससे समलैंगिकों को ही खतरा है, कोविड की तरह यह वायरस भी खतरनाक है, इसका कोई इलाज नहीं या फिर जांच के लिए कोई सुविधा नहीं। तो क्या वाकई में ऐसा ही है? और कितना खतरनाक है यह मंकी पॉक्स? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह फैलता कैसे है? आइए वो भी जानते हैं। क्या कोविड की तरह ही मंकी पॉक्स भी वैसे ही फैलता है? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। और हाँ, इसकी जांच कैसे होती है ये भी जान लीजिए। इसकी जांच भी RT-PCR टेस्ट से की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मंकी पॉक्स में शरीर पर उभरे रैश के अंदर के पानी की जांच की जाती है। फिलहाल पुणे के NIV में ही ये जांच सुविधा उपलब्ध है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स बाकी दूसरे संक्रमण के जितना संक्रामक नहीं है और ना ही यह कोविड के तरह लोगों के बीच आसानी से फैलता है। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या उनके इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसका वायरस हमारी त्वचा पर हुए किसी घाव या आंख, नाक या फिर मुंह के रास्ते शरीर में जा सकता है। हालांकि इसका संक्रमण सांसों से भी फैल सकता है, लेकिन मंकी पॉक्स कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। यह संक्रमण सेक्स से भी फैल सकता है। अगर आप में मंकी पॉक्स के लक्षण हैं और ऐसे में आप बिना किसी सुरक्षा के यौन संबंध बनाते हैं तो आपके शरीर से संक्रमण आपके पार्टनर के शरीर तक पहुंच सकता है और वो भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए जिनके कई सेक्सुअल पार्टनर हैं उन्हें खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि मंकी पॉक्स सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने से नहीं होता। अगर आप किसी भी संक्रमित शख्स के संपर्क में आते हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं। राहत की बात यह है कि अब तक भारत में इससे किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर
कई राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। केरल दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ कई राज्यों ने मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए एहतियातन तैयारियां शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल मंकी पॉक्स के लिए कोई टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया जाएगा। इसे लेकर जोर देते हुए कहा कि मंकी पॉक्स की मृत्यु दर कम है और यह ज्यादा तेजी से नहीं फैलता। यही वजह है कि अभी टीकाकरण के बजाय सावधानी बरतने पर अधिक जोर दिया जाएगा। इसलिए घबराइए नहीं, न डरे और न डराएं, सिर्फ एहतियात बरतें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही आपका सुरक्षा कवच है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।